नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और ये आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, इसको कैरेट बोलते हैं। और अब इसको टाइम हार्वेस्ट करने का आ गया है, क्योंकि लगभग 3 महीने हो चुके हैं इनको लगाए हुए। तो अब इनको हार्वेस्ट हम करेंगे और आपको दिखाएंगे इनकी हार्वेस्टिंग। और एक चीज़ और साथ में दिखाएंगे कि लगाने से लेकर जब हम इसको लगाते हैं और उसके बाद इसको कैसे खाया जाता है, कैसे इसका हम गाजर का हलवा बनाते हैं, और वो पूरी डिश तक हम पूरी वीडियो आपको ये दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा मज़ा आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करियो। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मेरे ये जो बेड हैं बिल्कुल रेडी हैं इनमें बीज लगाने के लिए। और इससे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमने जो मिट्टी इनकी तैयार करी थी उसमें नॉर्मल गार्डन सोइल 70% ली थी हमने, और 30% गाय के गोबर की 2 साल पुरानी खाद ली थी। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इनको भर लिया है, और लगभग 8 दिन इनको छोड़ा है हमने ऐसी ही मिट्टी को अच्छी तरह सूख देने के लिए। ये देखिए, अब जो मिट्टी है हमारी वो बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है और बिल्कुल सूख चुकी है। और इसमें हम 2 लाइन बीच में गाजर की लगाएंगे और साइड में 1 लाइन ऐसे शलजम की लग जाएगी। 1 लाइन इधर लग जाएगी और 1 लाइन इधर लग जाएगी, और बीच में 2 लाइनें गाजर की इसमें लगाएंगे। लाइन से लगा रहे हैं तो थोड़ा स्पेस ज़रूरी है। ये देखिए, ये गाजर का बीज है। देखिए, इसको एक एक करके लगभग लगभग 2 से 3 इंच के फासले पर आपको डालना है। एक एक सीड्स डालेंगे, 2-3 दिन डल जा रहे हैं, काफ़ी बारीक हैं सीड, तो 2-3 दिन इसमें डल जा रहे हैं। तो बाद में हम इनको सेपरेट कर देंगे, फिर हम इनको मिट्टी डालेंगे, फिर इनमें हम पानी डालेंगे। अब इसको हमने हल्के से इसको ढक देना है। अब गाजर भी देख रहे होंगे, और गाजर हालांकि ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी अभी गाजर हुई है। तो अभी इनकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे हम, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अपने आप उगाई हुई जो चीज़ें होती हैं उनका अलग ही आनंद होता है। और आपको दिखाते हैं हार्वेस्टिंग की, हमारी जो कैरेट्स हैं वो कितनी मोटी मोटी हो गई है। ये बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक है, इनमें किसी तरह का कोई केमिकल का छिड़काव नहीं है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हमने इनके अंदर नहीं डाला है, नेचुरली केवल इनको ग्रो किया गया है। तो अब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती हैं वो इतनी दिखने में अच्छी नहीं होती जितने कि आप जिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ होता है या फिर फर्टिलाइज़र्स केमिकल वाले डले होते हैं, उनकी जो चमक होती है उनकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो स्वाद होता है और उनके जो गुण होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ये देखने में आपको भले ही गंदी सी लग रही हो, इनका कलर उतना अच्छा आपको ना दिख रहा हो, लेकिन इनके जो गुण हैं, इनके जो पौष्टिकता है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी ग्रो कर रहे हैं तो केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें, और अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उनको कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह से उनमें केमिकल आप ना डालें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत तरह के होते हैं, उनको आप यूज़ करेंगे तो आपको खूब सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने जब से ये लगाई थी और लगाने के बाद इनका हम एक रेसिपी भी बनाएंगे, और उस रेसिपी की भी पूरी इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाली है। तो लास्ट तक आप देखना। और ये हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, और हमारी हार्वेस्टिंग में आप देख भी सकते हो कि हमारी जो गाजर्स हैं वो कितनी अच्छी हैं और बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए, तो सारी हार्वेस्ट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
ये देखिए, ये काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी मोटी हो गई है। अब हार्वेस्टिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है और लगभग 1-1.5 किलो के आसपास ये गाजर होंगी जो हमने हार्वेस्ट किए हैं। अब इनको हम पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं और उसके बाद फिर इनको दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने दोस्तों हार्वेस्टिंग करने के बाद इनको साफ कर लिया है, अच्छी तरह से धुल लिया है और इनकी आप कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बड़ी खुशी आज मुझे मिल रही है कि हमने ऑर्गेनिक गाजर का इस बार उगाई है और उगाने के बाद हम इनकी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। रेसिपी में क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा जो गाजर का रहता है सबसे अच्छा रहता है गाजर का हलवा। तो अब हम चलेंगे किचन में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इन ऑर्गेनिक गाजर से गाजर का स्वादिष्ट हलवा बनाएंगे और फिर वो उसका टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका टेस्ट और नॉर्मल बाज़ार की जो गाजर रहती हैं उनसे कितना अलग है। तो ये सारी अब तक की हार्वेस्टिंग हो गई और हार्वेस्टिंग से पहले आपने देखा कि हमने किस तरह से इनको लगाया था और किस तरह से इनको उगाया गया है, वो सारी जानकारी हो गई। अब चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको रेसिपी। तो आइए चलिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी किचन में और अब हम इनको अच्छी तरह से धो लिया है सारी जो गाजरें हैं हमारी और इनके ऊपर का जो गजरा बोलते हैं उसको शायद गाजरा उसको हमने हटा दिया है जो ऊपर इसके पत्ते होते हैं। और इसके बाद इनको छील लेते हैं, ये छीलने वाला जो चाकू होता है उससे अच्छी तरह से इनको छील लेते हैं। और छीलने के बाद इनको हमने कद्दूकस लेना है और उससे जितनी भी हमारी गाजरें हैं उनको कद्दूकस कर लेना है जिससे कि ये इनका जो टेक्सचर है कुछ इस तरह से बारीक बारीक हो जाए। इसी के बाद जो हमारा गाजर का हलवा है वो हम बनाएंगे। तो दोस्तों अब हमने अपनी जो गाजरें हैं सारी वो इस तरह से कद्दूकस कर ली हैं सारी की सारी और अब बारी आ गई है जो गैस है उस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में अब हम डालेंगे दूध। और दूध जो हम ले रहे हैं अभी लगभग 1 किलो गाजर है और 1.5 किलो हम इसमें दूध ले रहे हैं। और इसके बाद हम जब ये थोड़ा सा रेडी होने लगेगा तो इसमें हम ये खोया है और खोए को भी हम बाद में डालेंगे। तो फिलहाल हम इसमें दूध डाल रहे हैं। तो ये दूध हमने अब चढ़ा दिया है और इसके बाद जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता तब तक हम वेट करते हैं और उसके बाद फिर अपनी जो गाजर है वो दूध में डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हमारी जो दूध हमने चढ़ाया हुआ है इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है और ये लगभग तैयार है अब इसमें गाजर डालने के लिए। तो इसमें अब हम गाजर डाल देते हैं अपनी जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। तो अब हम इसमें ये जो सारा हमारा कद्दूकस किया हुआ गाजर है वो हमने डाल दी है। अब लगभग इसको 20 से 25 मिनट लेंगी हाई फ्लेम पर और तब जाके ये हमारा जो दूध है ये सूख जाएगा और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे चीनी और चीनी के बाद फिर डलेगा खोया और खोए के बाद डलेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें गाजर बनने तक रहेगा। तो जब तक ये हमारा दूध इसमें से सूखता है और गाजर हमारी मिल जाती हैं तब तक हम वेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी लगभग 20-25 मिनट के बाद जो हमारा दूध इसमें डाला था वो सारा इसने सोख लिया है और भाप बन के पानी इसमें से अलग हो गया है। और अब ये बिल्कुल ये देखिए गाजर जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं और दूध इसके अंदर सब चला गया है। अब इसमें बारी है शुगर डालने की। तो हमने ये लगभग 350-350 ग्राम शुगर है जो ये डालने वाले इसमें। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है लेकिन धर्मपति जी कह रही है कि नहीं ये पूरी ठीक है तो डाल देते हैं। तो इसमें से थोड़ी सी हमने रोक ली है, ये लगभग
250 ग्राम के आसपास ही हम डाल रहे हैं इसमें, ज़्यादा चीनी भी ठीक नहीं रहती है। और अब इसको और 10 मिनट के आसपास इसको पकाया जाएगा। ऐसे ही चीनी मिलाने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम खोया और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट। अब आप देख सकते हो कि जो हमने ये इतनी मेहनत की है लगभग 1 घंटे से, और अब कुछ दिखने लगा है इसका रंग कि मेहनत अब सफल होने वाली है हमारी, और हलवे का टेक्सचर इसमें अब आ गया है। अब हम इसमें डालते हैं खोया और खोया के बाद फिर पकाएंगे 10 मिनट और फिर डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट से और फिर बताएंगे आपको इसका टेस्ट कैसा है। तो डालते हैं इसमें खोया। मावा डालने के बाद, ये मावा या खोया कहिए कुछ भी, ये डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर और पकाना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको, और अब इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। तो जी, हमारा गाजर का हलवा बनकर अब तैयार हो गया है। अब करेंगे इसकी प्लेटिंग और दिखाएंगे फिर आपको इसका टेस्ट। तो प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग हमारी हो गई है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ बादाम हैं, कुछ काजू हैं, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इसको। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका टेस्ट अलग ही आता है गाजर के हलवे में, और गाजर के हलवे के टेस्ट को भी ये बढ़ा देता है। तो ये है हमारा गाजर का हलवा, और ये हमने आपको इस वीडियो में पूरा दिखाया कि जब से हमने ये गाजर कैसे लगाई थी, फिर उसको कैसे कैसे हमने उनकी तैयारी की, और कैसे अब उनको हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट करने के बाद कैसे ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक गाजर का हलवा हमने बनाकर रेडी कर। तो मैं इसकी शुरुआत कर देता हूँ टेस्ट से, और थोड़ा सा इसको टेस्ट करके आपको इसका टेस्ट बताता हूँ, ताकि आप महसूस कर पाएँ कि जो ये हमारी मेहनत थी वो सफल हुई या नहीं हुई, और इतने दिनों से जो हमने इसके ऊपर काम किया है वो उसका रिजल्ट कैसा है। तो टेस्ट करते हैं इसको। मैं आपको सच बताऊं तो इस गाजर के हलवे का जो टेस्ट फ़िलहाल मुझे मिला है वो इतना बेहतरीन है कि मार्केट में इस तरह का हलवा आपको मिल ही नहीं सकता। इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट, अलग लेवल का स्वाद इसमें निखर के आ रहा है। तो ये पूरी मेहनत थी हमारी, और वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो, और हमने जो ये पूरा तैयारी आपको इसकी दिखाई ये कैसी लगी आपको। तो इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाएं बेल आइकन प्रेस करके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप भी गार्डनिंग करते रहिए, और जैविक गार्डनिंग करके, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करके आप सेहतमंद रहें, और ऐसे ही आप भी हमारी तरह गाजर उगाकर, सब्जियां उगाकर उनका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।